हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। एंड आज है जन्माष्टमी, सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आई नो ये वीडियो लेट आने वाला है, 2-3 दिन बाद, मगर जो बात है वो है आज जन्माष्टमी है। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। एंड सीन्स कुछ ऐसे है कि आपको भी पता है कि हर साल हमारे घर पे गणपति बप्पा विराजमान होते हैं, एंड हमने सोचा कि क्यों ना इस बार गणपति है वो पेन से लाया जाए, बिकॉज़ स्पेन में बहुत सारे गणपति बनाने के कारखाने हैं एंड इको फ्रेंडली गणपति हम बिठाते हैं एवरी ईयर। सो हमारे लास्ट ईयर जहाँ से हमने बुक किया था वहाँ पे ही जाएंगे। सो उससे पहले वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज सागर योर बॉय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ठाणे का सागर ब्लॉग। सीन्स कुछ ऐसे है कि क्या करेंगे, मैं जस्ट नहा के आया हूँ, गोप्रो का मैंने ओल्ड जो डेटा था वो डिलीट किया है तो थोड़ी स्पेस हो जाए। अभी क्या करेंगे, सुयश आ रहा है, उसको भी उसके गणपति बप्पा बुक करने हैं। सो सुयश आएगा और हम भी निकलेंगे यहाँ से। सो क्या करते हैं, फटाफट ये चेंज करता हूँ एंड आपको मिलता हूँ ऑन अ बाइक। ऑलराइट गाइस, सो निकल दे, हम पहुँच चुके हैं मुंबई गोवा हाईवे पे। यही रोड से आप अलीबाग भी जा सकते हो, गोवा जा सकते हो, कोकण जा सकते हो। एंड कंपेयर टू लास्ट सीजन मैं जब भी कोकण राइड किया था इन 2020, इसके बाद ये रोड की हालत बहुत ही अच्छी खासी हो गई है। लास्ट टाइम इस रोड पे पैचेस थे एंड रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मगर अभी बहुत ही अच्छा रोड बना है ऐसा मैंने सुना है लोगों से। सो अभी जाते जाते देखेंगे कि रोड की कैसी हालत है। साथ ही साथ अगर मैं भूल गया हूँ तो हैप्पी जन्माष्टमी, आज जन्माष्टमी है और कल दहयांडी है, और दहयांडी से मुझे एक चीज़ बहुत याद आती है, वो है कि जो दहयांडी के लिए जो थर लगते हैं मटकी फोड़ने के लिए। सो एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। सो हरेश, अगर तुम ब्लॉग देखते हो मेरे, सो थैंक यू सो मच। हरेश कौन है मैं बता देता हूँ, ही इज़ वन ऑफ माय बेस्ट बडी फ्रॉम लास्ट 13-14 ईयर्स। हम लोग एक ही साथ स्कूल में थे, कॉलेज में अलग अलग थे, मगर एरिया में एक ही थे। कैसा ऐसा नहीं होता था कि एक दिन भी हम लोग का मिस हो जाए, ऐसा पकड़ लिए मेरी गर्लफ्रेंड थी। सो सीन्स कुछ ऐसा है कि दहयांडी के सीज़न में हरेश और उसकी टीम जाती थी मटकी फोड़ने के लिए, एंड मैं भी उनके टीम का एक पार्ट होता था। सो 2-3 साल मैंने वो लोग के मटकी फोड़ने के लिए ज्वाइन किया था, एंड अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स हम लोग दहयांडी नहीं मना पा रहे हैं, आपको भी पता है क्यों। सो होपफुली ये जो चल रहा है संकट सबके ऊपर वो जल्दी से दूर हो जाए, वैसे ही गणपति जी के हम प्रार्थना करेंगे। एंड बाकी सब बढ़िया है, वेदर बहुत ही अच्छा है। अभी आते वक्त हमें पड़ोस पे तक थोड़ी हल्की हल्की वाली बारिश मिली है, आगे देख सकते हो पूरा स्काई क्लियर है। होपफुली बारिश ना हो, क्योंकि मैंने रेन लाइनर कैरी नहीं किया है। सो फाइनली वी आर हियर एट पेन, एंड ये जो ब्रिज है वहाँ से आपको ब्रिज पे नहीं जाना है, ब्रिज के नीचे से उतरना है, एंड देन हम लोग अंदर एंट्री करेंगे पेन गांव में। एंड पेन गांव की खासियत यह है कि यहाँ पे जो पूरे मुंबई में, इवन पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी गणेश मूर्ति जाती है वो पेन गांव से जाती है स्पेशली। सो अपनी मूर्ति भी हम लोग यहीं पे बुक करने वाले हैं, लास्ट ईयर भी हम लोग ने यहीं से ही मूर्ति बुक की थी। सो फाइनली वी रीच एट कासारड़ी जो पेन में है, एंड पेन में हम लोग आए हैं अनंत कला केंद्र, जहाँ से हम लोग लास्ट 2-3 साल हो गए मूर्ति ले रहे हैं। एंड हमारे साथ है सूरज, तो सूरज हमें बताएगा कि एग्जैक्टली मूर्ति की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जो रॉ मटेरियल होता है शाडू मूर्ति का, सो वो मूर्ति कैसी बनाई जाती है एंड क्या प्रोसेस होती है वो हमें एक्सप्लेन करेगा। सो मिलते हैं एक क्विक शॉट में। सो हम लोग आए हैं अभी सूरज के साथ, इनका जो मेन कारखाना है वहाँ पे। सो सूरज जी हमें पहले बताइए कि गणपति की बनाने की जो प्रोसेस होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, कैसे मतलब कैसे बनाया जाता है, कैसे कलरिंग होती है? कच्चा रहता है, उसमें से निकाल के कच्चा रहता है, उसके ऊपर फिर ऐसा मूर्ति रहता है, उसको पॉलिश करना पड़ता है। ओके, पूरा पॉलिश पेपर से घिसके उसको पूरा पॉलिश करने का, और उसके बाद ऐसा ऐसा होता है पॉलिश करने के बाद।
पूरा अच्छे से उसको पॉलिश करने का और उसके बाद व्हाइट कलर उसके पूरा पेंट करते हैं, जैसे कि आप आपको दिखा दो ऐसा कोटिंग देते हैं उसको और पूरा व्हाइट कर देते हैं। ओके, और पूरा प्लेन होता है। उसके बाद उसमें अगर कोई खड्डा रहेगा या कोई कुछ बाकी काम रहेगा चेंज तो वो कर देते हैं उसके। और उसके बाद फिर उसको और दूसरा बॉडी कलर बनाते हैं, वो आपको दिखाते हैं धोतर रहता है शेला वो सब लगा के उसके बाद वो पेंटिंग करने के लिए जाता है, जो आग का पेंटिंग करते है वो आग का पेंटिंग इधर बैठ के करते है सब। ओके, अब ये देखो कलरिंग का काम चालू है। दोस्त आपका नाम बता दीजिए जरा। चिन्मय। तो चिन्मय है जो गणपति का शेला एंड धोतर का काम करता है यहाँ पे टोटली। एंड दूसरा हमारे साथ एक फ्रेंड है जिसने अभी अभी जस्ट मूर्ति का जो पार्ट रहता है वो कलर किया है। तो ऋषिकेश म्हात्रे हमारे साथ, ये बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई है अभी। तो क्विक शॉट के बाद अभी हम लोग आए हैं जो मेन इनका जो आउटलेट है वहाँ पे। सो सूरज हमें बताएगा कि फाइनल मूर्ति कैसी दिखती है। सो सूरज एक बार बता दीजिए हम लोगों को। तो ये हमारा गोडाउन है, यहाँ पर यहाँ से हम दिखते हैं मूर्ति, जो घर घर की रेख लेता है कोई, किसी के एक लेना पड़ता है, किसी को 200-300 मूर्ति मांगता है उधर बिकने के लिए मुंबई में पुणे ठाणे जहाँ पे भी। तो उधर से इधर से डिस्प्ले है हमारा, यहाँ पे हम दिखाते हैं और जितना मूर्ति मांगता है वो कलेक्ट करके उनको देते हैं। ओके, तो उधर हमारा काम बनता है और इधर हम बॉर्डर में आके रखते हैं डिस्प्ले के लिए और वहाँ से यहाँ से बेचते हैं मूर्तियाँ। तो आपको दिखाते हैं हम, शाडू का भी है, प्लास्टिक की भी मूर्तियाँ है, छोटी बड़ी साइज सब साइज में आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ओके, सो एक बार दिखा दीजिए हमें मूर्तियाँ कैसी कैसी है। तो अभी यहाँ से आपको मिट्टी की मूर्ति है पूरा। okay. ये यहाँ से इको फ्रेंडली शाडू की मूर्ति है। ये शाडू की मूर्ति अभी छोटे साइज में है, ये 9 इंच का मूर्ति है। okay. इसको आपको 300 रुपये में पड़ते हैं और पूरा काम करके पूरा फाइनल मूर्ति करके 300 रुपये में देते हैं। 9 इंच का मूर्ति है, उससे बड़ा है यहाँ पे 1 फीट का मूर्ति है। इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, 500 तक जाती है। अगर होलसेल में लेना है तो होलसेल का रेट अलग रहता है। अगर आपको 100-200 मूर्ति लेनी है तो आपको कम ही कॉस्ट में देते हैं हम। अगर घर में बैठाने के लिए हो तो उसका थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक मूर्ति का काम करना पड़ता है बराबर, इसलिए थोड़ा अलग अलग रेट रहता है। आपको अगर 100-200 मूर्तियाँ मांगते हैं तो उसका रेट अलग रहता है। तो यहाँ पे सब आपको वैरायटी देखने को मिलेगा, अलग अलग वैरायटी की। अभी ये देखो, ये लाल बाग है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ऐसे अलग अलग वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। और उससे भी बढ़िया मूर्तियाँ है अपने पास। उससे भी ये प्लास्टर का मूर्ति है, सब नीचे रखा है, सब प्लास्टर का मूर्ति है। प्लास्टर का भी अलग अलग रेट रहता है, जैसा काम रहता है वैसा रेट रहता है। ओके, हर जगह पे। और इधर देखो आपको बड़ा मूर्ति देखने को मिलेगा, ये 1.5 फुट तक है, 1.5 फुट 2 फुट तक पूरा शाडू मूर्ति का मूर्ति है। एंड इसकी कॉस्ट क्या जाती है अंदाजन? ये 1400 रुपये तक इसकी कॉस्ट रहती है। ओके, 1400 रुपये तक पूरा फाइनल करके। अगर उससे आपको और कुछ काम करना है, जैसे कि अभी फेटा लगाना है, डायमंड वगैरह कुछ अलग वर्क करना है, तो उसको फिर आपको अलग से पैसा देना पड़ता है। सो अभी सूरज जी हमें बता दीजिए कि आप कितने साल से ये जो शाडू मूर्ति का काम है वो कर रहे हैं? अभी 40 साल हो गया हमको ये पूरा कारखाने में, 40 साल हो गया। पहले तो छोटा था, 200 मूर्तियाँ बनती थी। ओके, इधर कारखाने में, अरे वो पूरा साल तक नहीं काम चलता था, ये 4-5 लड़के लोग काम करते थे यहाँ पे, ज़्यादा तो नहीं था। उसके बाद फिर ऑर्डर आने लगा, बढ़ने लगा, काम अच्छा था इसके लिए और बढ़ने लगा। अभी तो 5000 मूर्तियाँ बिकती है। ओके, हर साल 5000 और पूरे साल तक काम चालू रहता है। 1500 कारागिर काम करते हैं यहाँ पे और अच्छा क्वालिटी का मूर्ति। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी मूर्तियाँ कहाँ कहाँ पे सेल आउट होती है पूरे महाराष्ट्र में? गुजरात में जाती है। ओके, गोवा, ठाणा, मुंबई, हर जगह पे जाती है। मतलब उधर से सेल करते हैं लोग, यहाँ से लेके जाते हैं 100-150 मूर्तियाँ और उधर से जाके सेल करते हैं। ओके, एंड स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि आपके पास मोस्ट ऑफ ऑल शाडू मूर्तियाँ है एंड बहुत सारी वैरायटी दिखी है अभी मुझे यहाँ पे। एंड स्पेशल ऐसा क्या है आपके यहाँ पे जो बाकी कारखाने में हमें नहीं मिलेगा पेन में पूरे? यहाँ पे एक स्पेशल ऐसा है कि अब्रक का बॉडी कलर आता है, मतलब वो पेन में कम मिलता है आपको। और पूरा ने हमारे जमाने से वो क्या करते हैं, वो घर में बनाना पड़ता है, वो दुकान पे नहीं मिलता है। ओके, घर में बना के फिर उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है उसको। okay. उसका बॉडी कलर वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा स्पेशल देखते हैं लोगों को, तो उधर लाइट लगाएगा मूर्ति पे तो वो चमकता है। ओके, ये स्पेशल है कारखाना में, वहाँ वो ऐसी मूर्तियाँ ज़्यादातर बिकती है। और पुराने लोग जो है हमारे ऐसे वो मूर्तियाँ लेते हैं, आज तक कोई कम नहीं हुआ, बड़ी बढ़ोतरी आई है उसमें लेकिन कम नहीं हुआ। So, जो कारखाना स्टार्ट हुआ सर 200 मूर्ति से, वो अभी 5000 मूर्तियाँ एवरी ईयर सेल कर रहे हैं और वो काउंट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो
एक बार आप भी विजिट कर दीजिएगा अगर किसको मूर्ति लेना हो तो, कैसा करना पड़ेगा, क्या कॉन्टेक्ट नंबर है? हाँ, डायरेक्ट मोबाइल पे कॉन्टेक्ट करना है तो हमारा नंबर है, वहाँ पे भी हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर पेन में आएंगे इधर तो शिवाजी चौक में आना है, पेन में आएगा किधर, किसी को भी पूछेगा पेन में आएगा तो शिवाजी चौक कहाँ पे, शिवाजी चौक आने के बाद कासाराली पूछनेगा, और कासाराली में किधर भी बता देगा हजारे का कारखाना किधर है, अन्ना हजारे का, ऐसे भी पूछेगा तो भी कोई भी आपको बता देगा कारखाना, क्योंकि इधर सब मालूम है सबको। किसी को भी मूर्तियाँ लेनी है तो सूरज भाई ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया है, सो आप एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कर दीजिएगा एंड डिस्काउंट दे देंगे सूरज भाई, हमारा नाम हमारे नाम से ही डिस्काउंट हो जाएगा। सो भाई ने पूरा सेटिंग लगा दिया है आपके लिए। सो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, अगर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब हो जाना। एंड विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, एंड एक बार जरूर चेकआउट कर दीजिएगा, सूरज भाई अपने साथ है तो अच्छा खासा डिस्काउंट देने की कोशिश रहेगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा।